हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो गाइस, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है ग्रिल्ड फिश। तो उसमें मैं क्या क्या मटेरियल डालूँगी आप देख सकते हैं। तो मैंने उसमें लिया है धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीर मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और व्यूअर्स मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। तो गाइस, मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो जो मैंने मसाले डाले हैं वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो गाइस, मैंने इसमें मोटा धनिया और ज़ीरा कूट कर डाला है, जो मैं इस मटेरियल में ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं। इससे टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो प्लीज़, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस, मैंने फ़िश ली है और मैं इसमें डालूँगी, आप देख सकते हैं, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी आप इस तरह से, ये देखिए। तो गाइस देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी होंगी। एक बार खाएंगे तो आप बार बार, आपका दिल चाहेगा इसको। ये देखिए, मैं इस तरह से इसे बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और मैं अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मटेरियल को फिश में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी। मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। गाइस, अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, एज यू विश। और अब मैं इस बेसन को भी इसमें मिक्स कर लूँगी इस तरह से, ये देखिए आप। ये देखिए, इससे थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाएगा इसमें। देख लीजिए आप इस तरह से। ये देखिए, तो गाइस देखिए, मैंने दरदरी मिर्च मिक्स में कर ली है और अब मैंने इसे इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं अब बता रही हूँ जो जो मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा बेसन भी डाला है ताकि ये अच्छी क्रिस्पी चिपक जाए और क्रिस्पी भी बन जाए। एक बंधा बंधा पीस आएगा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी होगा, रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरा ये सब रेडी है। अब मैं इनको सबको एक प्लेट में कर लूँगी, वन बाय वन कर इस तरह से। अच्छी तरह से मसाला ऐड कर लिया है मैंने इसमें। आप भी अपने घर इसको ज़रूर ट्राई करें और हाँ, बिल्कुल कंजूसी ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, मेरी वीडियो को लाइक करने में और हाँ, मेरे कमेंट्स भी दें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपको डेली मिले देखने को भी और आप कुछ इससे सीखें भी। तो प्लीज़ ज़रूर करें, ज़रूर देखें। तो अब मैं इस फिश को कम से कम 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं, अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको ओवन में ग्रिल करूँगी। गाइस, मैंने फ्रिज में ये रख दिया है, ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए मैंने फ्रिज में से इसे निकाल लिया है। अब मैं इसको उलट पलट कर कर इस तरह से रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे इसमें बाउल में डाल दूँगी। ये देखिए वन बाय वन करके मैं इसे बाउल में डालूँगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। और मैं इसे माइक्रोवेव में लेकर जा रही हूँ 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स मैं इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ, माइक्रोवेव में रख रही हूँ और 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। देखिए इस तरह से गाइस, ये देखिए इस तरह से मैंने 3 मिनट का टाइमर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और मेरी फिश माइक्रोवेव हो रही है, देखिए आप। तो गाइस फ्रेंड्स मेरा माइक्रोवेव हो चुका है और मैं इसे इसे निकालूंगी। देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से मेरा माइक्रोवेव हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे माइक्रोवेव मैंने करने के बाद अब मैं इसे ग्रिल करने के लिए रखूंगी। मैं देखिए इस तरह से ये देखिए और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगाऊंगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी हर पीस पर ऑयल, आप देख सकते हैं। इसे ग्रिल करने के लिए रख रही हूँ, ये देखिए 3 से 5 मिनट के लिए ग्रिल करूँगी मैं इसको, आप देख सकते हैं। गाइस मेरे 3 मिनट हो चुके हैं ग्रिल से, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये मेरा रेडी हो चुकी है, इसका माशाल्लाह कलर देखने में क्रिस्पी टेस्टी, ये देखिए मसाला भी बिल्कुल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं गाइस। देखिए मेरी फिश रेडी है, तो आप इसे ग्रीन चटनी से किसी चीज़ से भी खा सकते हैं, वेरी नाइस वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं फ्रेंड्स फिर कल को हाजिर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।